हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं हिसार हुंडई शोरूम पर। आज हम रिव्यू करेंगे हुंडई i20 एन लाइन का। तो इसके फीचर्स हम जानेंगे कि इसका प्राइस क्या है, क्या इसकी माइलेज है और क्या क्या इसके इंटीरियर फीचर दिए गए हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन की। तो इस गाड़ी के अंदर आपको 1000 cc का इंजन मिल जाता है। और बात करें इस गाड़ी के पावर की, तो 120 PS की इसके अंदर मैक्सिमम पावर आपको मिल जाती है और 172 Nm का टॉर्क इसके अंदर आपको मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के डायमेंशंस की। तो इस गाड़ी की जो लेंथ है वो 3995 mm दी गई है और इसकी विड्थ जो 1775 mm आपको मिल जाती है। और बात करें इसके व्हील बेस की, तो इसके अंदर आपको 2580 mm का व्हील बेस मिल जाता है। और बात करें इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इसके अंदर 37 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। और बात करें इसके फ्रंट में, तो फ्रंट में आपको चेकर्ड फ्लैग इंस्पायर्ड ग्रिल आपको मिल जाती है, जो ब्लैक कलर में इसके लुक को काफ़ी बेटर बनाती है। और हुंडई का लोगो इसमें आपको मिल जाता है फ्रंट में। और रेड लाइन की बैजिंग नीचे आप देख सकते हैं, जो इस गाड़ी को बहुत ही प्यारा लुक दे रही है। फ्रंट में आपको इसके हेडलाइट्स मिल जाती है, LED हेडलाइट्स, और साथ ही में आपको LED फोग लैंप्स इसमें मिल जाते हैं। और बात की जाए इसके साइड की, तो साइड में आपको एन लाइन की यहाँ पे बेजिंग मिल जाती है। और साइड में नीचे आपको ग्लेडिंग के साथ में रेड फिनिशिंग आपको मिल जाती है। और बात करें नंबर ऑफ टायर्स की, तो इसके अंदर आपको 4 टायर्स मिलते हैं, एक स्टेपनी आपको साथ में मिलती है, जो कि सीट कंपनी के इसमें टायर यूज़ किए गए हैं, जिनका साइज़ है 195/55R16। तो 16 इंचज की इसके अंदर आपको एलॉय व्हील मिल जाती है। और साइड मिरर के अंदर आपको ORVMs यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। साइड लुक आप देख सकते हैं। और बात करें अपर की, तो अपर में आपको इसके अंदर सनरूफ मिल जाता है और शार्क एंटीना आपको इसके अंदर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके बैक साइड की, तो बैक साइड में आपको इसमें क्या मिलता है। पीछे आप देख सकते हैं, आपको ब्लैक, रेड और वाइट कॉम्बिनेशन में काफ़ी अच्छा बैक लुक इस गाड़ी का दिख रहा है। बैक में भी आपको एनलाइन की बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है और एक टेल लाइट्स आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी इसकी बैक लाइट्स लग रही है, जो कि LED लाइट्स के साथ आती है। और लेफ्ट हैंड में आपको i20 का बैजिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। और बैक में आप देख सकते हैं हुंडई का लोगो यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप मिरर का ब्लैक कलर और साथ में आपको स्टील फिनिशिंग और रेड और साथ में वाइट का कॉम्बिनेशन काफ़ी गजब का लग रहा है, जो इस गाड़ी को काफ़ी बेटर लुक देता है। बैक में आपको इसका बैक कैमरा मिल जाता है, आप देख सकते हैं, और साथ ही आपको ट्विन एग्जॉस्ट के साथ आपको डीफोगर के साथ में मिल जाते हैं। प्लास्टिक है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर में इसके क्या क्या फीचर दिए गए, क्या क्या कुछ चेंज किया गया है, वो हम जानेंगे। तो इंटीरियर आपको कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो इंटीरियर में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइड विंडो की। तो विंडो के अंदर आपको कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है और आपको ब्लैक कलर में इसकी क्रोम फिनिशिंग दिख जाएगी, और साथ ही आपको यहाँ पर रेड ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, जो कि इस गाड़ी को काफ़ी प्यारा लुक दे रहा है। और यहाँ पे नीचे आपको बोतल होल्डर मिल जाता है, और यहाँ पे आपके म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक स्पीकर दिए गए हैं। तो एन लाइन के अंदर आपको हर जगह रेड कलर की लाइनिंग आपको देखने को मिलेगी, जो कि इस गाड़ी को काफ़ी बेटर लुक देते हैं, आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट इंटीरियर की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लेदर का स्टेयरिंग आपको मिल जाता है, हुंडई के लोगो स्टेयरिंग के अंदर आपको मिल जाता है, और क्रूज कंट्रोल सिस्टम इसके अंदर आपको मिल जाता है। तो ऑडियो स्टेयरिंग सिस्टम भी आपको इसके स्टेयरिंग के अंदर मिल जाता है, और साथ ही आपको स्टेयरिंग के अंदर टेलीस्कोपिक सिस्टम आपको मिल जाता है, जिसे आप स्टेयरिंग को आगे पीछे और ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे। और अब बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की, और 8 इंच की आपको मल्टी इंफॉर्मेशन
डिस्प्ले आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। फीचर्स आप देख सकते हैं, रेडियो मीडिया जो भी आप सीख ट्रैक सेटअप जो भी सिस्टम आप यूज करना चाहते हैं इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। और ये एसी आपको दिया गया है, एसी कंट्रोल यहाँ से आप कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, यूएसबी चार्जर से यहाँ पे आप कर सकते हैं। और ये इसका गियर सिस्टम आप देख सकते हैं, मैनुअल मोड में रियर फर्स्ट सेकंड थर्ड और सिक्स गियर के साथ ये गाड़ी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिल जाती है। और यहाँ पे ये आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है और कप होल्डर यहाँ पे आपको दिया गया है और आर्म रेस्ट भी इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। या आप इसके अंदर कुछ सामान रखना चाहते हैं तो ये भी आप रख सकते हैं। यहाँ से आप सीट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कंफर्टेबल सीट आपको मिल जाती है। आप आगे पीछे करना चाहते हैं, ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आप सीट को भी कंफर्टेबल कर सकते हैं। और फैब्रिक की सीट आपको इसके अंदर मिल जाती है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल रहती है। और सीट भी आपको एन लाइन के अंदर आपको रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ आती है जो कि सीट को काफ़ी बेटर लुक देती है और इस गाड़ी के शो को बना देती है। और ये i20 एन लाइन की है, आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर इसकी को बनाया गया है। और इसके अंदर आपको ये लाइट्स मिल जाती है, यहाँ पे आपको ये सनग्लासेस रखने का सिस्टम आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। आप लाइट्स देख सकते हैं, पीछे भी आप पीछे की लाइट भी आप आगे से ऑन कर सकते हैं या पीछे से करना चाहते हैं पीछे से भी आप कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके बैक सीट की, तो एन लाइन की बैक सीट आप देख सकते हैं रेड ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ में। और यहाँ पे आपको एसी विंड्स आपको मिल जाते हैं, चार्जिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ सामान आप रख सकते हैं। बैक विंडो के ऊपर आपको देख सकते हैं बोतल होल्डर आपको मिल जाता है, मिरर एडजस्ट आपको मिल जाता है। तो काफी कंफर्टेबल सीट है दोस्तों, बैक भी लाइट आप देख सकते हैं बैक सीट पे। अब बात कर लेते हैं i20 एन लाइन के बूट स्पेस के बारे में, तो इस गाड़ी का बूट स्पेस मैं आपको दिखा देता हूँ। और बात करें इसके बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस आपको 311 लीटर का इसके अंदर बूट स्पेस मिल जाता है, साथ में आपको एक टूल किट मिल जाती है आप देख सकते हैं। और ये आपको स्टेपनी इसके साथ में मिल जाती है, तो काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है इसका 311 लीटर। और अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के माइलेज की दोस्तों, तो इस गाड़ी की जो माइलेज है 20 से 21 की ये पेट्रोल वेरियंट में माइलेज दे देती है। और यह वेरियंट N6 IMT है। इसके प्राइस की बात की जाए तो आपको एक्स शोरूम जो प्राइस है 9,95,900 रुपये है और ऑन रोड जो प्राइस है वो 11,28,584 रुपये है। तो अब देख लेते हैं इसके सनरूफ फीचर्स को, तो इसका सनरूफ सिस्टम आप देख सकते हैं, इसका सनरूफ दिया गया है, यहाँ से आप हैंडल कर सकते हैं, इसको आगे करना है पीछे करना है इसे बंद करना है क्लोज करना वो आप खुद कर सकते हैं। तो एन लाइन है दोस्तों, काफ़ी सुंदर गाड़ी को बनाया गया है i20 एन लाइन। तो दोस्तों इस गाड़ी के फीचर्स आपको कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग इंडियन ऑटो ग्राज़।